हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स की। नॉट ओनली अबाउट द सर्किट्स, बट आई विल आल्सो टीच यू दैट हाउ वन कैन लर्न टू फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच बाय यूजिंग नॉन कॉन्टैक्ट एमीटर एंड वोल्टमीटर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई टू प्रीवियस वीडियोज़ ऑन वर्चुअल लैब, so that you will be able to understand how to create a circuit in virtual lab. So friends, let's begin this video without wasting any time, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। So friends, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो circuits हैं, one is series circuit and second one is parallel circuit. See, there are some differences between series and parallel circuits. Series circuit की हम बात कर लेते हैं पहले। सीरीज सर्किट दोस्तों वो होता है जिसमें करंट सिर्फ एक ही पाथ से पास होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस सर्किट में सिर्फ एक ही पाथ है करंट को पास करने के लिए। दोस्तों, सीरीज सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही पाथ होगा, यू कैन सी ओनली सिंगल पाथ, एंड इन द पैरेलल यू कैन सी देर आर टू और मोर पाथवेज। यू कैन सी हेयर दिस इज वन पाथ एंड द सेकेंड वन इज this is the second path and the third path. okay, series circuit में अगर एक bulb भी अगर fuse हुआ या एक load disturb हुआ तो पूरा का पूरा circuit जो है disturb हो जाएगा। okay, circuit will be incomplete. and in case of parallel circuit, अगर एक bulb भी fuse होता है तो बाकी का जो connection है वो आपका as it is रहेगा। that means ये bulb आपका फ्यूज नहीं होगा, ये बल्ब ग्लो रहेगा, उसकी ब्राइटनेस वैसी ही रहेगी जैसा पहले थी। ओके, इस बल्ब की भी ब्राइटनेस वैसी की वैसी होगी जैसी पहले थी। सिर्फ अगर ये बल्ब फ्यूज हुआ है तो इसकी वजह से बाकी बल्ब डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके दोस्तों, अगर मैं इस सर्किट की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो करंट का वैल्यू है दिस विल बी सेम। ओके, यहाँ पे भी सेम होगा करंट, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा और यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वोल्टेज इसके अक्रॉस कुछ डिफरेंट होगा, इसके अक्रॉस कुछ डिफरेंट होगा, यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट होगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। सीरीज सर्किट के अंदर एक केवीएल लॉ है जो फॉलो होता है। बेसिकली इफ यू डोंट नो अबाउट द केवीएल लॉ, आई विल टेल यू। इट सिंपली सेज दैट algebraic sum of all the voltages around any closed path in a circuit is equal to zero. 50 volt का कुछ ना कुछ part यहाँ पे drop होता रहेगा। That means let's say कि 10 voltage यहाँ पे, 10 voltage यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10. So total will be 50. So 50 minus 50 will be zero. Are you getting my point? I'll tell you later on कि आप कैसे इसको calculate कर सकते हैं, कैसे इसका calculation होगा. Okay? In case of parallel circuit, the brightness of bulb will be more because voltage का value same रहेगा, यहाँ पर भी same रहेगा, यहाँ पर भी same रहेगा। जो voltage आप दे रहे हैं, यहाँ पे supply कर रहे हैं, वही voltage इसके across होगा, वही voltage इसके across होगा और यहाँ पर भी वही voltage होगा। Series circuit के अंदर जो current का value है that will be same, इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा, इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा, इसके अक्रॉस भी सेम रहेगा और इस लोड के अक्रॉस भी सेम रहेगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट वोल्टेज इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वोल्टेज इज सेम बट करंट विल बी डिफरेंट। आई विल टेल यू लेटर ऑन हाउ यू कैन मेजर बाय यूजिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो दोस्तों, अब हम मेजरमेंट कर लेते हैं करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वोल्टमीटर आपको पिक करना है यहाँ से और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। सिंपली लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ एंड आपको जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी वोल्टेज का वैल्यू जीरो है बिकॉज मैंने अभी स्विच को ऑन नहीं किया है। जैसे ही आप ऑन करेंगे यू कैन सी कि सर्किट जो है आपका ऑन हो चुका है, यू आर गेटिंग पावर सप्लाई। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस 9.11 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज जो मिल रहा है वो है 12.18। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो वोल्टेज की रीडिंग्स हैं इनको आप कहीं नोट कर लें किसी भी नोटबुक के अंदर, सो दैट कि हम
केवीएल लो को सेटिस्फाई कर सकें इस सीरीज सर्किट के अंदर। रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 12.18 वोल्ट। सो दोस्तों अब इस लोड के अक्रॉस मैं वोल्टेज मेजर कर लेता हूं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 9.03 ओम इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज है 12.08। इस रीडिंग को भी कहीं नोट कर लें आप। सो फ्रेंड्स यू कैन सी कि वोल्टेज का वैल्यू हर लोड के अक्रॉस कुछ डिफरेंट आ रहा है। सो इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है 13.37 वोल्ट। इसको भी आप नोट कर लें कहीं ना कहीं। सो फ्रेंड्स इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है 12.37 वोल्ट, इसको भी आप नोट कर लें। सो दोस्तों अगर आप इन चारों वोल्टेज को अगर आप ऐड करते हैं दिस विल गिव यू 50 वोल्ट एंड 50 माइनस 50 विल गिव यू व्हाट 0। दैट मींस यहां पे केवीएल लॉ सेटिस्फाई हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप दोबारा से मेरी बात सुने, मैंने क्या कहा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई है और इस लोड के अक्रॉस और इस लोड के अक्रॉस, इन सभी को आप ऐड कर दें, डेफिनेटली यू विल गेट 50। यानी ये जो 50 वोल्ट आपने पावर सप्लाई यहाँ पे दिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस वॉज द यूज ऑफ वोल्ट मीटर इन दिस सीरीज सर्किट। अब हम देख लेते हैं कि करंट का वैल्यू क्या होगा बाई यूजिंग एमीटर। सो एमीटर यूज करने के लिए, सो दिस इज नॉन कॉन्टेक्ट एमीटर, सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वायर। यू कैन सिंपली पुट इट हेयर एंड यू कैन मेजर करंट। सो द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस दिस लोड इज 1.3372 एम्पियर। इस लोड के अक्रॉस वैल्यू है 1.3372 एम्पियर। हेयर यू कैन सी 1.3373 एम्पियर and here 1.3373 ampere. So you can see almost same, we are getting same amount of current. Okay, so this was the use of ammeter. So dosto aapne dekha ki is circuit ke andar current will be same, voltage will be different across the loads. So dosto ab baat kar lete hain parallel circuit ki. To agar aapko voltage measure karna hai to simply aapko karna kya hai, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वोल्टेज अगर मेजर करना है, मैं इसको ऑफ कर देता हूं क्योंकि इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। अब इसको ऑन कर लेते हैं। 50 वोल्ट मैंने अप्लाई किया है। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लोड के अक्रॉस, इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिल रही है 50। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस 50 वोल्ट को आपने अप्लाई किया है, सोर्स का वोल्टेज है 50 वोल्ट और 50 वोल्ट ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। सो दूसरे बल्ब के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो यू कैन सी कि 50 वोल्ट ही यहाँ पर आपको मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको 50 वोल्ट ही मिलेगा, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट। सो दिस वाज द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दी बल्ब। सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर वोल्टेज अक्रॉस दी बल्ब। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टेक्ट एमीटर की कि इसके अक्रॉस करंट का वैल्यू क्या होगा। सो फ्रेंड्स यू कैन सी द वैल्यू ऑफ करंट इज 2.5 एम्पियर एंड हेयर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ करंट इज 7.5 एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ करंट इज गेटिंग चेंज, you can see here 3 ampere. So at every point you are getting different value of current. हर जगह आपको current का different value मिल रहा है। इसका मतलब है कि parallel circuit के अंदर current का value different होता है across each load and the value of voltage is same. So guys this was all about the series and parallel circuit. दोस्तों अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट कि आपको हर बार जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो वीडियो का अपडेट मिलता रहे टाइम टू टाइम। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।